सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी तक हमने दो और तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ लिए हैं, तो अब हम आज उनका वापस से अभ्यास करेंगे और उन्हें दोबारा पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ब अब, त ब तब, ज ब जब, ट ब तब, क ल कल, ह ल हल, न ल नल, फ ल फल, न ट नट, र ट रट, त ट तट, घ ट घट, क स कस, न स नस, द स दस, ट स टस, क र कर, घ र घर, ड र डर, च र चर। तो ये थे दो अक्षर के शब्द जिन्हें आप पढ़कर घर पर इनका अभ्यास करेंगे। अब हम देखते हैं तीन अक्षर के शब्द। अ म न अमन, च म न चमन, द म न दमन, न म न नमन, र म न रमन, क र म करम, ग र म गरम, न र म नरम, ध र म धरम, श र म शरम, ब ह न बहन, प ह न पहन, स ह न सहन, ब द न बदन, म द न मदन, क र ण करण, च र ण चरण, म र ण मरण, श र ण शरण, ह र ण हरण, अ म र अमर, क म र कमर, ख ब र खबर, श ह र शहर, म ट र मटर। तो ये थे तीन अक्षर के शब्द, यानी आज आपने दो अक्षर और तीन अक्षर के शब्दों को पढ़ना सीखा है। अब आपको क्या करना है, इनका अभ्यास करना है, इन्हें बार बार पढ़ के देखना है। और इसके साथ मैम आपको एक वर्कशीट भी भेज रही है। इस वर्कशीट में आपको क्या करना है, दो व तीन अक्षर के शब्द यानी नीचे दिए गए अक्षरों से शब्दों को पूरा करें। ये मछली में जो हमने शब्द लिखे अक्षर लिखे हैं, न ब च ज ठ र, उसमें आप इनमें से कोई शब्द ऐड करके दूसरा शब्द बनाएंगे। जैसे न और ल, तो न ल नल, तो यहाँ पर आप इसको नल कर दीजिए पूरा। अब आप देखते हैं यहाँ ब, और यहाँ ढूंढिए स, तो ब स बस। आप यहाँ चमन बना सकते हैं, च म न चमन। ऐसे ही नमक भी बना सकते हैं, न
म क नमक, तो ये तीन अक्षर का शब्द हो गया, या ज ग जग। तो इन इन शब्द अक्षरों से आपको इन अक्षरों को इनके साथ मिलाकर शब्द बनाने हैं और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके मुझे वापस भेजना है, और आप रीडिंग की वीडियो भी भेज सकते हैं। थैंक यू।